ब्लूर सहकारी सभा में करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच पुलिस अधीक्षक ने दोबारा शुरू कर दी है। जांच अधिकारी इस घोटाले की पूरी छानबीन कर अपनी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को सौंपेंगे। ब्लूर सहकारी सभा में करोड़ों रुपए के घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ ग्रामीणों ने कड़ी कार्यवाही की गुहार लगाई थी। पिछले एक वर्ष से ग्रामीणों को पुलिस प्रशासन की कार्यवाही से संतोष नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि सभा का सचिव जो घोटाले का आरोपी है आज दिन तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया और न ही ग्रामीणों के पैसों की रिकवरी हो पाई है। सहायक पंजीकरण विभाग इस घोटाले के आरोपियों से मात्र 60 लाख रुपए की रिकवरी कर पाया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि इस घोटाले में पूरा सहायक पंजीकरण विभाग शामिल है। विभाग की मिलीभगत से ग्रामीणों को करोड़ रुपए का चूना लगाया गया है। सभा के सचिव पृथ्वीराज ने अपने पूरे परिवार के सदस्यों के नाम लाखों रुपए के ऋण लोन के रूप में लोगों को गुमराह किया है। ग्रामीणों के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक से इस घोटाले के दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों की सभा में जमा की राशि आज दिन तक नहीं दिलाई गई है। उन्होंने दोषी विभागीय कर्मचारियों को इन पदों से निलंबित करने की मांग की है। पिछले लंबे समय से गांव के बुजुर्गों को अपने पैसे के लिए जिला प्रशासन के पास ठोकरें खानी पड़ रही हैं। पिछले दिनों ब्लूर सहकारी सभा का एक प्रतिनिधि मंडल सहकारी सभा में करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोपियों के खिलाफ जांच की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक से मिला था। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस जांच में 5 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आगामी कार्यवाही करेगी। पूर्व जांच की भी पुलिस प्रशासन छानबीन कर रहा है। हाँ जी भैया, जैसे गबन हुआ हमें किसी चीज का पता नहीं था। हमने तो पैसे दिए हैं और लिए नहीं है हमने इनसे, और हमें लोन डाल दिया गया है। ऐसे 1.5 लाख का लोन डाल दिया और 8 लाख हमने दिए इनको, और कई बार आए हम पैसे लेने के लिए पर हमें पैसे नहीं दिए, खाली हाथ लटाया इन्होंने हमें। नोट्स दिए सर हमें, और फिर हम तभी आए इनके पास। ऐसे हमें तो पता भी नहीं था कहाँ जाना है हमने। आज तो सर ऐसे लोन में सिग्नेचर वगैरह मिलाने हो गए इन्होंने। जो लोन 6,75,000 अहें सदरे इन्हें बोलिया भाई तुह जो लोन आने पे तुह आवा मुकरी जा दे पी अह नहीं है पाए रहा तो फिर कौन ही पाए रहा। इसी खातर मेरे मालक पी अज मंजर के बागे पै गया, मंजे पर पी मालक मेरा बीमार हो गया। पहले भी पैरालैस हो गया, अज पी बी पी आई हो गया। तीन सह नहीं आई सके गया कने आऊ आए रही तीन मतबल बदल संधि आए रही अह जो था पता मनी अह लैना कि अह जो लोन पाए करे ए साहब ही मुकरी जा दे। गांव ब्लू कोऑपरेटिव सोसाइटी से जहाँ पृथ्वीराज जी भाग गए हैं, मैं वहां से आई हूँ। हमें फर्जी लोनों के ऊपर ज्यादा हरासमेंट किया जा रहा है। आज विभाग वालों ने यहाँ पर बुलाया है, 29 लोग हैं, 186 लोगों के ऊपर फर्जी लोन डाले गए हैं, उनमें से 29 लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। तो जिनसे परिजनों से रिकवरी करनी है 64 लाख की, उनको तो अभी तक विभाग वालों ने कोई नोटिस नहीं दिया, ना उनसे रिकवरी कर रहे हैं, ना उन्हें बुलाया जा रहा है। लेकिन हमें दिहाड़ी मजदूरी लगाकर जो हम ये करते हैं, अपना रोजी रोटी अब कमा रहे हैं, अब हमें और ज्यादा हरासमेंट करके यहाँ बुलाया जा रहा है। तो हमारा पुलिस वाले उसे ढूंढ के ला दें तो हमारी ये हरासमेंट खत्म हो जाएगी। आगे तक ये पता नहीं, विभाग वाले भी ना उन पर इंक्वायरी कर रहे हैं, ना उसे ला रहे हैं। इन्हीं की मिलीभगत से सारा पैसों का गमन हुआ है। एक 6,35,00,000 की ये है जो इसमें गमन हुआ है। तो इसमें कुल 64 लाख है जो रिकवर करने हैं उनके परिजनों से। उनके ऊपर फर्जी, उनके ऊपर लोन है, और हमारे 186 लोग हैं उनके ऊपर फर्जी लोन डाले गए हैं। जो 7 मेंबर है उनसे 64 लाख की रिकवरी करनी है। तो अगर 64 लाख की रिकवरी करनी है, 6,35,00,000 का गमन हुआ है, तो बाकी पैसे कहाँ है? ये हमें विभाग आज तक नहीं बता पा रहा है कि वो पैसे कहाँ है, जबकि अकाउंट खाली है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का अकाउंट है वो खाली है, 0 बैलेंस है उसमें। तो उन पैसों का अभी तक कोई सुराग नहीं, कोई पता नहीं दे रहे हैं कि वो पैसे कहाँ है। एडमिनिस्ट्रेटर जगदीश जी बता रहे हैं, ये जोगिंदर जी को बता रहे हैं, बीनू जसवाल ने ऑडिट किया है। या तो उन तीनों के पास है ये पैसा, या विभाग वालों के पास है पैसा। और पृथ्वीराज को भगाने में भी विभाग वालों का ही हाथ है, क्योंकि ये छुपा रहे हैं, ना उनके ऊपर इंक्वायरी कर रहे हैं, ना उनको बुलाया जा रहा है, जबकि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा हरासमेंट किया जा रहा है। और हमें बार बार इंक्वायरी के लिए यहाँ पर बुलाया जा रहा है। और हम यहाँ कोई बुजुर्ग लेडीज आई है, बीमार है, कोई कैसी हालत में है, कोई एक को अटैक आया, फिर भी यहाँ पर उनको यहाँ पर भी बुलाया जा रहा है, जबकि हमने इनको कहा था कि ये सारी इंक्वायरी आप गांव में आकर कर लें। ये गांव में इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं, ये हमें यहाँ पर हमीरपुर में बुला रहे हैं।